आज हम देखने वाले हैं कि वाटरमेलन यानी कि तरबूज खाने के बाद शुगर कितनी बढ़ जाती है डायबिटीज वालों की, या हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, और प्लस कि शुगर वालों को उसको खाना चाहिए या नहीं। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि तरबूज खाने से शुगर बढ़ती है कितनी। तो देख लेते हैं, पहले हम लोग वाटरमेलन ले लेंगे। इसको जीरो कर लें। वाटरमेलन जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग ज़्यादा नहीं है क्योंकि मीडियम साइज का है। इसमें रख लेते हैं बाउल को काट के। तरबूजा जो है वो गर्मियों के सीजन में आता है, आप जो लोग जानते हैं। ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग। वैसे जो अगर 100 ग्राम आप तरबूज खाते हैं तो उसका जो मैं 200 ग्राम लेके आपको दिखाता हूँ कि 200 ग्राम अगर तरबूज लेते हैं तो कितना इसका आता है। तो आदमी जब अगर जाता है कहीं पे तो कम से कम 200 ग्राम तो खाता ही है। हाँ, ऐसा तो है नहीं, तरबूज है, पानी का आइटम है ये, और इसमें 90% वाटर होता है। ध्यान दीजिएगा ये कि 90 यानी कि 90% इसमें वाटर होता है। थोड़ा सा कम है, हो गया। यानी कि इसको जीरो किए थे तो कितना आया था, जीरो ही था ना ये? हाँ, जीरो था। ठीक है, तो हमने बाकी इसको साइड रख देंगे। 200 ग्राम भाई थोड़ा ज़्यादा ही दिख जाता है कभी कभी। हेलो, ठीक है, तो 200 ग्राम तरबूज ले लिया है, इसको साइड रख देते हैं। इसकी स्लाइस को काट लिया जाए फटाफट फटाफट। आप लोग को मैं रेसिपी इसलिए दिखाता हूँ कि थोड़ी रेसिपी देखने से क्या है कि अब मैं सामने लाइव करके दिखाता हूँ, ऐसा ना हो कि ऐसे वीडियो बना रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है और मैं सामने सामने करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है, ये 200 ग्राम हो गया, देखा आपने, हल्का सा काटा तो इसमें 200 ग्राम कमी हो जाता है। थोड़ा सा हाथ को साफ कर लेने का क्योंकि मुझे मेरी शुगर चेक करना है अभी कि शुगर कितनी है। इसको हटा देते हैं। अभी देख लेते हैं कि शुगर कितनी आती है। सबसे पहले शुगर चेक कर लेते हैं अभी, क्योंकि वाटरमेलन क्या है गर्मियों के सीजन बहुत खाया जाता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा, ये अस्थमा के लिए भी अच्छा है, ये जिसको अस्थमा रहता है इसका बहुत अच्छा उसके लिए भी है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो 0.6 ग्राम पाया जाता है। और कैलोरी इसमें बताया नहीं भाई, 100 ग्राम में कैलोरी कुछ भी नहीं बता रहा है। इसमें सोडियम 1 मिलीग्राम बता रहा है, पोटेशियम 112 ग्राम, यानी इसमें पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम 112 मिलीग्राम पाया जाता है। और टोटल कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम में, ये 200 ग्राम लिया तो 100 ग्राम में आपको 8 ग्राम, यानी कि अगर 200 ग्राम खाएंगे तो आपको 16 ग्राम मिलीग्राम आपको मिलेगा। फैट इसमें 0.2 ग्राम होता है 100 ग्राम में। ठीक है, बाकी वाटरमेलन तो अच्छा, आप लोग जानते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देख लीजिए, ठीक है, दिख रहा होगा 182, इसमें मेरी शुगर है 182, समझ लीजिए 182 है, सुबह का है। मेरी शुगर बढ़ी क्योंकि मैं थोड़ा टूर पे गया हुआ था, बाहर था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था इसकी वजह से। तो अभी सुबह का 9 बज रहा है भाई, ये देख लीजिए, अभी सुबह का 9 है, मॉर्निंग का है क्योंकि मैं थोड़ा टूर पे था, थोड़ा सा खा पी लिया था रात को, तो जिसकी वजह से, और मेरा वीडियो काफ़ी दिन से वैसा नहीं आ पा रहा था, तो 182 आया हुआ है, 182। देख लेते हैं बाकी इसको खा के कितनी शुगर आती है। इसको
इसको खा लिया जाए, इसको बंद कर देते हैं। मौसम ठंडी का है फिर भी मीठा है, आप समझिए कि ठंडी के मौसम में भी ये मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि अभी आजकल हाइब्रिड माल आने लग गया है। जब हम छोटे छोटे थे तब जाते थे तो गर्मियों के सीज़न में, यानी कि मई जून जुलाई ये महीने में, लेकिन इस समय ठंडी में भी आने लग गया भाई तरबूज। भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। इसमें आपको कुछ भी पैसा लगता नहीं है, लेकिन मुझे एक सपोर्ट हो जाती है, मेरा उत्साह बढ़ जाता है कि मुझे काम करना चाहिए। और जो आप लोगों में शेयरिंग करते हैं उससे और भी अच्छा लगता है, तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है मुझे भी। थोड़ा पानी इसलिए पीता हूँ क्योंकि बोलना पड़ता है, इससे गला बैठ जाता है, इसके लिए अभी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको तरबूज खाने के बाद। ठीक है, तो मेरी शुगर जो शुगर आई है 9 बजे मैंने चेक किया है, इसको मैं फिर 2 घंटे बाद देखता हूँ कि क्या शुगर मेरी रिपोर्ट आती है। मैं 200 ग्राम तरबूज खाया है, ठीक है, 200 ग्राम यानी कि छिलका निकालने के बाद 200 ग्राम लिया, तो देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है 2 घंटे के बाद। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। बाकी मैं ऐसे वीडियो डेली बेस पर लगते रहूँगा। तो वाटरमेलन या तरबूज खाकर 2 घंटा पूरा हो चुका है, तो देख लेते हैं 2 घंटे के बाद क्या रिपोर्ट आती है। भाई 2 घंटे के बाद जो इतना खा लिया था तो उसे लगता है कि पेट भरा भरा लग रहा था। ठीक है, बाकी ये खाने के बाद तो आज बहुत अच्छा लगता ही है। कभी कभी एक बार लगाने पर नहीं आता है ब्लड, क्योंकि सुई हमेशा जब चेंज करना पड़ता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क आ जाता है। देख रहे हैं 184। जब मैंने वाटरमेलन खाया था 2 घंटा पहले, जो रिपोर्ट निकाली थी 182 आया था, और अभी 184 आया है। तो क्या बोलेंगे, क्या सिर्फ 2 पॉइंट शुगर बढ़ी है? ऐसी बात नहीं है, इसके बहुत से रीज़न है। क्योंकि जब शुगर जो होती है इसमें बहुत कम होती है, आप समझ लीजिए पूरा पानी है, ज़्यादा इसमें शुगर नहीं है, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि इसमें नहीं दिखा रहा कोई चीज़ ज़्यादा। तो और इसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो आप समझ लीजिए, क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं ना कि 10% का वेरिएशन आता है, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। कि अगर 100 मेरा शुगर 182 था, यानी कि 182 था, तो उसका 10% होता है 18। ठीक है, तो मेरी शुगर 18 कम भी आ सकती थी, यानी कि 160 भी आ सकती थी उस समय, और 200 भी आ सकती थी, दोनों हो सकता था वेरिएशन, ज़्यादा भी हो सकता था और कम भी हो सकता है। कभी कभी आप लोग चेक करके देख लेना ये चीज़, ये वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो और फिर मैंने वापस चेक किया 184 आया, इसका मतलब ये 200 भी आ सकता था, 200 मतलब 200 भी आ सकता था और 160 भी आ सकता था, आप समझ लीजिए। तो वाटरमेलन खाएंगे 2 घंटे के बाद आपकी शुगर इंक्रीज नहीं होगी। 2 पॉइंट कोई मायने नहीं करता, अगर मशीन की बात करूँ तो मशीन के हिसाब से हम बात करते हैं, कम ज़्यादा की नहीं करते। तो भी आप मान लीजिए अगर आप वाटरमेलन आप खाएंगे, अगर 100 ग्राम खाएंगे तो भाई कुछ दिखेगा ही नहीं, और अगर 200 ग्राम खाएंगे तो शुगर आपकी 2 पॉइंट खाली दिखा रहा है, यानी कि वाटरमेलन आप खा सकते हो, रिकमेंडेड भी है, क्योंकि इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है सीधी बात, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिखाया है सिर्फ 2 दिखाया है, तो कोई मायने नहीं, और 72 भी बोल रहा है। तो हिसाब से वाटरमेलन खाइए और अच्छी चीज़ें, आपको प्यास भी नहीं लगेगी और आपका पेट भर भी जाएगा इसमें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।